अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अगर आप भी अपने मोबाइल की चार्जिंग को बहुत ज़्यादा फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। यहाँ दोस्तों आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलने वाली, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें यहाँ पे क्लिक करके, और आपने यहाँ पे कमेंट करना, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ लिख सकते हैं नाइस बैटरी ट्रिक। ये आपने लाजमी लिखना है, मुझे उम्मीद है कि आप ये लिखेंगे नाइस बैटरी ट्रिक आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। जैसे ये लिखेंगे तो मुझे एक अच्छा सा नोटिफिकेशन आएगा और मुझे पता लगेगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी जिसका नाम है फास्ट चार्जर प्रो। तो आपको करना क्या होगा, सिंपल आपने आ जाना प्ले स्टोर पे, मैं आपको लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दूंगा। फिर आप कहेंगे यार डिस्क्रिप्शन से नहीं मिल रहा, तो सिंपल आपने फास्ट चार्जिंग प्रो पे क्लिक करना और यहाँ पे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। क्या कर लेना है, डाउनलोड। जी हाँ दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करें, इसमें कुछ सेटिंग करनी है, उसके बाद अपने मोबाइल को चार्ज लगाएं तो आपका मोबाइल बहुत जल्दी चार्ज करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने ये अगर वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपका, मैं कंफर्म करता हूँ आपके मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी चार्ज होने वाली है। तो सिंपल आपने डिटेक्ट के बटन में क्लिक करना है, ये चार्जिंग डिटेक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे नो पावर अडाप्टर कनेक्टेड, ठीक है, अभी मैंने कोई चार्जिंग नहीं लगाई हुई, ठीक है। अगर मैं लगा दूंगा तो आपको यहाँ पे डिटेक्ट की ऑप्शन आ जाएगी। सबसे पहले आपने नीचे चले जाना है टूल्स पे, ये यहाँ पे आपके पास टूल्स की ऑप्शन मिल रही होगी, मैं सिंपल टूल्स के बटन में क्लिक करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी। ये देख सकते 66% आपके पास जो मेमोरी है, उसके बाद 59% उसके बाद टेम्परेचर दिखा रहा है। यहाँ पे चेंज अलार्म, प्रायोरिटी रिप्लाई, चेंज हिस्ट्री, यहाँ पे इसको छोड़ दें। यहाँ पे आपके पास जो डायरेक्ट में ये चीज़ें हमने देखनी है, यहाँ पे जंक फाइल, मेमोरी क्लीन, नोटिफिकेशन क्लीन, क्लिपबोर्ड क्लीन, सीपीयू कूलर, चार्जिंग डिटेक्ट, ठीक है। इनमें से ये सारी चीज़ें आपने कर ली। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जंक फाइल पर क्लिक करता हूँ तो ये जितनी भी आपके मोबाइल में जंक फाइल्स होंगे उसको डिटेक्ट करेगा और उसको ऑटोमेटिक उसको डिलीट कर देगा। इसे डिलीट करने में कोई आपको भैया देख सकते 1.83 GB इसको क्लीन करेगा और आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे मैं इस क्लीन नाउ के बटन पे क्लिक करूँगा, ये सब को क्लीन कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन क्लीन नाउ ऑल पे क्लिक करता हूँ, ये सारी की सारी एप्लीकेशन को क्लीन करेगा और ये देख सकते हैं इसने क्लीन करके आपको दे दिया है। अगर आपके पास ऐड आता है तो ऐड को आपने यहाँ से क्लोज कर देना है। ये देख सकते हैं ये क्लीन हो गया। उसके बाद मेमोरी क्लीन, यहाँ पे क्लिक करें, ओके के बटन पे क्लिक करें, जो ये परमिशन मांगा आपने इसको देनी है। अगर नहीं देंगे तो ये एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी, फिर ना कहेगा कि आपने बताया नहीं था। ये अभी लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद ये आपके पास ये देख सकते हैं आ चुका है। यहाँ से फास्ट चार्जिंग प्रो पे क्लिक करता हूँ और इसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद अब आप देखिएगा यहाँ पे 1.88 GB इसको क्लीन करेगा। जैसे क्लीन ऑल के बटन में क्लिक करूँगा ये सारी की सारी ये एप्लीकेशन को क्लीन कर रहा है, और इससे आपके मोबाइल की बैटरी के अलावा मेमोरी भी आपकी सेव होती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। नोटिफिकेशन क्लीन के बटन में क्लिक करना है, इसको आपने परमिशन देनी है, ठीक है। जैसे मैं इसको परमिशन दूंगा, ये परमिशन दे दी, बैक के बटन में क्लिक करेंगे जितने भी नोटिफिकेशन आए होंगे ये सबको क्लीन कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक ऐड आएगा, ऐड को आपने यहाँ से क्लोज कर दें। जैसे जैसे मैंने सेटिंग करा वैसे वैसे आपने सेटिंग कर लेनी है। क्लिपबोर्ड क्लीन, यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। आप इसकी भी एक आधी परमिशन मांगे, आप इसको परमिशन दे देनी है। जैसे परमिशन देंगे तो ये देख सकते हैं ये क्लिपबोर्ड भी क्लीन हो। सीपीयू कूलर, अब यहाँ पे आ जाएगा कूल डाउन, कूल डाउन के बटन पर क्लिक करें। जैसे कूल डाउन के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका सीपीयू को कूल कर देगा और आप इससे अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद बैक आ जाए, उसके बाद चार्जिंग डिटेक्ट। अब आप अपने मोबाइल को चार्जिंग लगाएं तो आप देखिएगा कितनी स्पीड से आपका मोबाइल ये चार्ज होता है। डिटेक्ट सिस्टम सिंक, डिटेक्ट फास्ट चार्जिंग शॉर्टकट। तो दोस्तों आप फास्ट चार्जिंग यहाँ पर डिटेक्ट के बटन पर क्लिक करें, इसको ऐड कर लें, आपके होम स्क्रीन में ये ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अभी बैक आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन पर ऐड हो गया स्टार्ट चार्जिंग, यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करेंगे जैसे आप चार्जिंग लगाएंगे तो ये डिटेक्ट होकर ऑटोमेटिक चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।